नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि सोरेन परिवार के पास करीब 250 करोड़ की संपत्तियां हैं और ये संपत्तियां कुल 108 ऐसी परिसंपत्तियां हैं और जिसमें सिर्फ 33 या 34 संपत्ति ऐसी है जिसके बारे में इलेक्शन एफिडेविट में बताया गया है। अब हमें इंतज़ार है कि बाबूलाल मरांडी के इस आरोप पर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या जवाब देती है। बाबूलाल मरांडी का दावा है कि सीबीआई ने इन संपत्तियों का पता लगाया है और खुद हेमंत सोरेन के परिवार ने भी कोर्ट में इसे लेकर एक एफिडेविट दायर किया है, उन्होंने ये घोषणा की है। तो क्या है ये पूरा मामला, कल ये राज से दोनों पक्षों को जानना जरूरी है क्योंकि जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई वर्जन नहीं आ जाता हम नहीं बता सकते कि ये असलियत क्या है, इस पूरी सच्चाई क्या है। दूसरी बड़ी खबर है आज की, ओवैसी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। सवाल पूछा गया था मदरसों के सर्वे पर, उन्होंने कह दिया कि मदरसों का सर्वे क्यों हो, मिशनरियों का सर्वे क्यों नहीं। अगर झारखंड की बात करें तो ओवैसी का बयान उस समीकरण पे घातक साबित हो सकता है जो कि झारखंड में बना है या बनाने की कोशिश की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। एक और हैं सज्जन, हाजी महबूब नाम है उनका। कोर्ट में वो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, मतलब जो मुस्लिम पक्षकार थे, याचिकाकर्ता थे। उन्होंने आज बयान दिया है कि बाबरी गया तो गया, अगर ज्ञानवापी पर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो सड़कों पर खून खराबा होगा। ये विवादास्पद बयान है, देखना ये होगा कि उनके इस बयान पर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है क्योंकि वो खुद एक पक्ष हैं इस पूरे मामले में जो केस चल रहा है। लेकिन हमारा आज का सवाल इससे इतर और झारखंड को लेकर है। मैं आज दिन भर गूगल पे सर्च कर रहा था, देख रहा था कि झारखंड में गो तस्करी के आंकड़े क्या हैं, मुझे नहीं मिला। सिर्फ इतना मिला कि झारखंड के 24 में से 11 जिले ऐसे हैं जहां गो तस्करी हो रही है या ये मामले आए हैं सामने, रिपोर्ट की जा रही है। उसके बाद एक और रिपोर्ट मैंने देखा, उसमें कहा कि झारखंड के गांवों में कभी बड़ी संख्या में बैल होते थे, गाय होते थे, बछड़े होते थे। आज बैल और बछड़े, खास करके जो मेल जिसको बछड़ा बोलते हैं, बाछी नहीं, वो अचानक गायब हो गए और वो गए कहां किसी को नहीं पता। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार झारखंड के कम से कम 12 जिलों में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हो रही है और ये सारे गौवंश या तो बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं या फिर संथाल परगना गौ तस्करी का एक बड़ा हब बन गया है। और उसमें एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है जिसे गौ तस्करी का मास्टर माइंड बताया जा रहा है, वो नाम है इफ्तिखार आलम। अब ये इफ्तिखार आलम कौन है, झारखंड के किस बड़े नेता से उनका संबंध है, ये अगले कुछ दिनों में मीडिया में जरूर आएगा क्योंकि जो संथाल परगना के लोग हैं वो जानते हैं कि ये इफ्तिखार आलम किसका भतीजा है और वो क्या कर रहा है। तो ये झारखंड पुलिस को जांच करना है कि गौ तस्करी कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इशू न बन जाए। और मामला सिर्फ इतना नहीं है, भारत सरकार ने गौ वंश के तस्करी पर रोक लगा दी है और ये कानूनन आप नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन झारखंड में हो भी रहा है, पुलिस वाले शिकार भी हो रहे हैं। अभी रांची में कुछ दिनों पहले संध्या टोपनो नामक एक एसआई की गौ तस्करों ने कुचलकर हत्या कर दी गई और कल ही रात में गढ़वा से लोहरदगा एक ट्रक भरकर गौ वंश लाया जा रहा था जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ा। अब तक हम ये जो गौ तस्करी या गौ रक्षक ये सब लगता था कि यूपी वगैरह वेस्टर्न उधर का मामला है, लेकिन अब झारखंड गौ तस्करों के निशाने पर ही नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन क्या पुलिस सचमुच सजग है, इसे रोकने का प्रयास कर रही है? हमें तो लगता है नहीं, उतनी सजग नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर गांव वाले एक साधारण ग्रामीण एक ट्रक गौवंश पकड़ सकते हैं तो गढ़वा से लोहरदगा आने के रास्ते में किसी पुलिस ने उस ट्रक को क्यों नहीं रोका? सवाल बड़ा है, जवाब पुलिस प्रशासन को देना है। नमस्कार।